हेलो एवरीवन, मैं हूं बीना और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आइए आज हम बनेंगे कॉर्न रोल्स या फिर इसे हम कॉर्न कबाब भी बोल सकते हैं। बच्चों को कॉर्न बहुत ही पसंद आता है और आप बच्चों को कॉर्न में से बनाए हुए कबाब खिलाओगे तो बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपके घर में कोई पार्टी हो तो पार्टी में आप स्टार्टर के रूप में भी कॉर्न कबाब को सर्व कर सकते हैं। अभी बारिश का सीजन चल रहा है और मार्केट में कॉर्न बहुत ही आ रहे हैं, तो क्यों ना हम अच्छे क्रिस्पी कॉर्न कबाब घर पे बना के बच्चों को खिलाएं। तो आइए हम कॉर्न कबाब बनाना शुरू करते हैं। आइए कॉर्न कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप कॉर्न जिसे मैंने बॉईल करके लिया हुआ है, अगर आप चाहे तो फ्रोजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 मैंने ब्रेड की स्लाइस ली हुई है, 3 बड़ा चम्मच चावल का आटा, 2 उबले हुए आलू, 1/4 कप गाजर जिसे मैंने बारीक काट के लिया हुआ है, अगर आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। 1/4 कप कैबेज जिसे भी मैंने बारीक काटा है, 1/4 कप कैप्सिकम जिसे भी मैंने बारीक काटा है, 1/4 कप प्याज को भी मैंने बारीक काट के लिया हुआ है, 1/4 कप मटर को भी मैंने बॉइल करके लिया हुआ है। सारी सब्जी कुल मिला के हमने 1/4 कप ली हुई है। 1 बड़ा हरा मिर्च और छोटा टुकड़ा अदरक का मैंने दोनों की पेस्ट साथ में बना के ली हुई है। 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, धनिया मैंने यहाँ पे कुछ बारीक काट के लिया हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 1/4 कप होगा। 1/4 छोटा चम्मच मैंने टर्मरिक पाउडर लिया है, हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक है भी स्वाद अनुसार नमक, और तेल हम लेंगे हमारे जो रोल्स है वो फ्राई करने के लिए। तो आइए हम कबाब बनाने के लिए उसका जो मिश्रण है वो सब मिला के तैयार करते हैं। तो आइए हम कबाब बनाना शुरू करते हैं। देखिए आलू को मैंने स्मैश कर लिया है बड़े बाउल में। अब हमने जो बॉईल किया हुआ कॉर्न लिया था उसे भी मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, और जो हमारी ब्रेड थी ब्रेड का भी मैंने मिक्सी में ग्राइंड करके उसका फ्रेश ब्रेड क्रम्स बना लिया है। अब हमने काटी हुई सारी सब्जी डाल देंगे, कैप्सिकम, कैबेज, कैरेट। दोस्तों और भी अपने बच्चों की मनपसंद की सब्जी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे पीस डाले। अब हम यहाँ पे चावल का आटा, चाट मसाला, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, नमक, टर्मरिक पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अगर आप चाहे तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं, और धनिया। आइए अब हम सारी सामग्री को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए हमारा आलू का मिक्सर है वो अच्छी तरह से मिक्स होकर तैयार हो गया है। आइए अब हम इसमें हमारे जो रोल्स है या फिर कबाब है वो बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये थोड़ा सा आलू का मिश्रण लिया है और अब मैं ऐसा लंबा शेप देके हमारे जो रोल से वो तैयार करूंगी। मैंने हाथों को थोड़ा सा ऑयल से चिकना कर लिया है। देखिए ऐसे हम हमारे सारे जो रोल से वो तैयार कर लेंगे। दोस्तों अगर आप चाहे तो गाजर को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। देखिए दोस्तों हम बचे हुए सारे रोल्स को ऐसे ही तैयार कर लेंगे। देखिए हमारे सारे कबाब जो है बनके तैयार है। आइए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। मैंने फ्राई करने के लिए गैस पे कढ़ाई रख दी है और तेल को गरम करने के लिए रख दिया है। देखिए दोस्तों तेल हमारा अच्छा गरम हो गया है। आइए अब हम इसमें हमारे जो तैयार किए हुए रोल से वो डाल देते हैं। हमें रोल फ्राई करने के लिए तेल हमारा अच्छा गरम चाहिए। हम इसमें 4 रोल्स डालेंगे, हम ज्यादा नहीं डालेंगे अदरवाइज हमारे जो रोल्स है वो फट जाएंगे। देखिए हमारे जो रोल्स है वो ब्राउन हो गए हैं। हम इसे और थोड़ा ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हमने रोल्स को हाई फ्लेम पर ही फ्राई किया है। हम रोल को उलट पुलट करके उसे अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे।
आइए देखिए हमारे जो रोल थे वो अच्छे गोल्डन फ्राई हो गए हैं। अब हम रोल को निकाल लेते हैं और बाकी बचे रोल्स को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। आइए अब हम बाकी बचे रोल्स को भी डाल देते हैं और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आइए दोस्तों, हमने हमारे सारे रोल्स को फ्राई कर लिया है और उसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है। कभी दोस्तों हमारे जो मटर के दाने हैं वो हम रोल हमारे जब तलते हैं तब बाहर निकल आता है, तो आप तब थोड़ी सावधानी से फ्राई करना। मैंने यहाँ पे रोल को हरी चटनी के साथ सर्व किया है। अगर आप चाहे तो इसे टोमेटो केचप के साथ भी बच्चों को सर्व कर सकते हैं। देखा दोस्तों आपने, हमारे क्रिस्पी कॉर्न रोल्स बनके तैयार है। हमें इसे कितना जल्दी आसानी से बना दिया। आपके घर में कभी पार्टी हो तो आप इस आपके घर में आए हुए मेहमान को आप खिलाइए और फिर मुझसे शेयर कीजिए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर दोस्तों आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सकें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।